अक्षय कुमार जी का जो घर है वो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम बीच के जस्ट सामने है, अजय देवगन जी का घर। ये है शिल्पा शेट्टी जी का घर, ये जो गेट है देख सकते हैं। ये है अमिताभ बच्चन जी का पुराना बंगलो का फोटो लगा हुआ है अंदर, देखो। ये है फाइनली अमिताभ बच्चन जी का घर। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जुहू चौपाटी से होते हुए अमिताभ बच्चन जी के घर के सामने। जी हाँ फ्रेंड्स, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के घर के जस्ट सामने ही हूँ मैं, पहुँचने ही वाला हूँ। तो आप लोगों को दिखाएंगे आज उनका घर, तो मुंबई का उनका घर दिखाएंगे जिसका नाम है जलसा। अमिताभ बच्चन का घर तो दिखाएंगे ही, साथ ही आपको दिखाएंगे धर्मेंद्र जी का घर और शिल्पा शेट्टी जी का घर, अक्षय कुमार का घर, ये सभी एक्टर्स जो हैं सभी का घर आज की वीडियो में आपको दिखाने, इन सभी एक्टर्स का घर आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो बने रहो हमारे साथ एंड तक वीडियो पर, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर देना। अमिताभ बच्चन जी का घर जलसा, और यहाँ पर देखो नेम प्लेट लगा हुआ है, जलसा लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ वो सामने दिख रहा है, वो है अमिताभ बच्चन जी का घर जो है यहाँ पर जलसा के नाम से मशहूर है भाई। ये देखो सामने दिख रहा है आपको, ये अमिताभ बच्चन जी का घर है। गाड़ियाँ आ गई यहाँ पर, और संडे के दिन शाम को वो आते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं ये जो गेट है यहाँ पर आके वो खड़े होते हैं, और जो लोग उन्हें मिलने के लिए आए होते हैं उनसे मिलते हैं वो। आज सैटरडे है तो पूरा खाली है यहाँ पर, वैसे भीड़ भी नहीं है। पहले वहाँ पे मटका होता था, अभी मटका भी नहीं है पानी का। पर देखो कुछ लोग आए खड़े हुए हैं अमिताभ बच्चन जी के घर को देख रहे हैं यहाँ से, वो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से देखने। नज़दीक जाके वीडियो पूरा नहीं आ रहा था इसलिए मैं इस साइड आ गया। देखो अभी कुछ लोग आए हैं वहाँ पे खड़े हैं। तो ये है कुछ ऐसा दिखता है अमिताभ बच्चन जी का घर। पॉश इलाका है ये, काफ़ी महंगा एरिया है ये मुंबई का, जहाँ पर अमिताभ बच्चन जी का घर है। देख सकते हैं वो मेरे पीछे वहाँ पर है अमिताभ बच्चन जी का घर जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर जुहू में है। जुहू चौपाटी आएंगे आप तो वहाँ से भी आ सकते हैं बहुत ही आसानी से, मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है वहाँ से आने का, यहाँ पर पहुँचने के लिए आप 10 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो भाई अमिताभ बच्चन जी का फर्स्ट घर दिखा दिया जिसका नाम है जलसा, और अभी सेकंड घर दिखाएंगे यहाँ पर जिसका नाम मुझे पता नहीं है, नेम प्लेट तो देखा नहीं, लेकिन आपको दिखा देते हैं। पुराना घर उनका यही है जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो देखो दो गेट है, एक वहाँ पर और एक इस साइड में है, यहाँ पे इस साइड में दो गेट हैं। चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, अमिताभ बच्चन जी का ही घर है, तीन बंगलो हैं इनके यहाँ पर है। अमिताभ बच्चन जी का पुराना घर देख सकते हो आप कैसा दिखता है यहाँ पर कॉर्नर से, ये देखो एक वहाँ उस साइड में एक गेट है, एक गेट इस साइड में है। तो इसका नाम है जनक, ये जो है ये बंगलो का नाम जनक है, अमिताभ बच्चन जी का ही बंगलो है ये, और ये पुराना बंगलो है देख सकते हैं, ये जनक लिखा हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो जनक लिखा हुआ है, नाम है जनक बंगलो का, बहुत ही खूबसूरत बंगलो है। ये है अमिताभ बच्चन जी का पुराना बंगलो देख सकते हैं, वो अंदर फोटो लगी हुई है अमिताभ बच्चन जी की, दिख रही है आपको कि नहीं पता नहीं, वो देखो अंदर अमिताभ बच्चन जी का फोटो लगा हुआ है, दिख रहा है ये पुराना बंगलो है उनका फोटो लगा हुआ है अंदर, देखो वो देखो। और थोड़ा गेट खुला हुआ है तो अंदर आपको दिखा देता हूँ, अंदर देखो मर्सिडीज खड़ी है भाई, मर्सिडीज वैन ये देखो खड़ी हुई है, और इसका नाम है जनक बंगलो का नाम है जनक, पुराना बंगलो है ये अमिताभ बच्चन जी का। बंगलो में अमिताभ बच्चन जी रहते नहीं है अभी, ये खाली ही पड़ा है, रहते तो वो जलसा में है वहाँ पे जहाँ मैंने आपको दिखाया था, जो वो नया वाला बंगलो है, ये पुराना वाला बंगलो है। अमिताभ बच्चन जी का घर दिखा दिया, और अभी मैं चल रहा हूँ भाई सनी देओल जी के घर को, सनी देओल जी के घर को आपको दिखाएंगे, तो बने रहो हमारे साथ, निकलते हैं यहाँ से। अमिताभ बच्चन जी का घर पीछे था,
अभी आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मैं रास्ता आपको दिखा देता हूँ, चलते हैं सनी देओल जी के घर। तो धर्मेंद्र सर के घर को जाने के लिए, आपको सनी देओल जी के घर को जाने के लिए आपको यहाँ से ये जो रोड है जो देख सकते हैं, अमिताभ बच्चन जी के घर का रोड है ये सामने वाला, वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी का घर है, वही रोड पकड़ के सीधा आएंगे इस साइड में। तो यहाँ पर आने के बाद आप ये देखिए, ये टर्निंग आपको दिखाई देगी, वो बोर्ड देख लीजिए, वहाँ पर NS रोड नंबर 11 लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको अंदर जाना है और इसी लाइन में जो है सनी देओल जी का घर है। तो भाई फाइनली मैं पहुँच गया हूँ भाई सनी देओल जी के घर के सामने, जहाँ पर सनी देओल जी और बॉबी देओल जी और साथ में धर्मेंद्र जी भी यहीं पर रहते हैं। तो ये है उनका घर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा घर है, यहाँ से आप वहाँ तक देख सकते हैं, काफ़ी लंबा है और बहुत ही खूबसूरत है। तो ये है उनका घर, और अभी घर पे कोई है नहीं, शायद आज जो है अभी जो है घर पे घर कोई दिख नहीं रहा है, वॉचमैन भी नहीं दिख रहा है, शायद अंदर होगा। भाई गेट खुल रहा है, देखो कोई तो आ रहा है, वॉचमैन आ रहा है, सिक्योरिटी गार्ड है शायद ये। तो ये है धर्मेंद्र जी का घर, तो देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक कितना बड़ा घर है। तो ये है सनी देओल जी का घर भाई, यहाँ से स्टार्ट होता है ये देखो, और ये है मेन गेट, सूरत जगह भाई। तो ये है धर्मेंद्र जी का घर, और यहाँ पर आने के लिए आप जब अमिताभ बच्चन जी के घर से निकलेंगे सीधा आगे आएंगे थोड़ी ही दूर पर, आपको लेफ्ट मारना है, और लेफ्ट जैसे ही मारेंगे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये जो घर है इनका यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो काफ़ी नज़दीक है इनका घर, अमिताभ बच्चन जी के घर के जस्ट समझो बगल में ही है, और यहीं पे है जुहू में, और सब लोग यहाँ पर एक साथ ही रहते हैं, बॉबी देओल, सनी देओल और धर्मेंद्र सर सभी लोग एक साथ रहते हैं इसी घर में। तो ये था बॉबी देओल, धर्मेंद्र सर और सनी देओल सर जी का घर, जो आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया, यहाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा घर है। तो भाई ये देख लो, अभी हम पहुँच गए हैं अजय देवगन जी के घर के सामने, जस्ट ये अजय देवगन जी का घर है। मैं पहुंच गया हूं अजय देवगन जी के घर के जस्ट सामने, मैं उसके सामने ही खड़ा हूं अभी फ़िलहाल, मैं पहुंच चुका हूं अजय देवगन जी के घर के जस्ट सामने। तो चलेंगे आगे और आपको डिटेल में दिखाएंगे अजय देवगन जी का घर। तो ये है अजय देवगन जी का घर, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, देखो यहाँ जो है ये जो रास्ता है आप देखिए, यही इधर आगे कॉर्नर में जो है धर्मेंद्र सर का बंगलो है, वहाँ से आप आओगे तो इस साइड में देखो ये आपको अजय देवगन जी का घर दिखाई देगा, ये देखिए। तो ये अजय देवगन जी का घर है, देखो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, गार्ड बैठा हुआ है और इसको कुछ कोई लोग आए हैं फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, देखने के लिए आए फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। फाइनली मैंने आपको अजय देवगन जी का घर दिखा दिया, मुंबई में कहां पर है, आप यहां पर इस तरह से आ सकते हैं, यह है बेमिसाल खूबसूरत अजय देवगन जी का घर। बढ़ेंगे आगे और चलेंगे अक्षय कुमार जी के बंगलों को दिखाएंगे आपको, अभी आगे बढ़ेंगे और आपको अक्षय कुमार जी का घर जो है वो दिखाते हैं। अक्षय कुमार जी का घर थोड़ी सी दूरी पर है, तो चलिए आपको दिखाते हैं अक्षय कुमार जी का घर जुहू चौपाटी में कहां पर है और कैसा दिखता है, जो भी कुछ है। वैसे अक्षय कुमार जी का फिटनेस बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको उनका फिटनेस कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं उनके घर पे और चल के आपको दिखाते हैं उनका मुंबई वाला घर कैसा दिखता है। अक्षय कुमार जी का जो घर है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, एकदम बीच के जस्ट सामने है अक्षय कुमार जी का घर। तो अक्षय कुमार जी के घर को जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिला बीच, खूबसूरत सा बीच है ये देखो। तो पहले आपको बीच दिखाते थे और अक्षय कुमार जी का घर भी साथ में दिखाएंगे, फिलहाल सबसे पहले उनके यहाँ का जो बीच है वो दिखाते हैं। ये जितने भी घर हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, इन लोग के जो घर हैं वो सारे कहीं ना कहीं बीच से कनेक्टेड हैं, ये देख सकते हैं साथ में बीच है, आप किसी भी रास्ते से जाओ निकलोगे तो बीच पे ही पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर बीच दिखाई दिया तो मैंने सोचा पहले आपको बीच दिखा देते हैं, उसके बाद में चलेंगे अक्षय कुमार जी के घर दिखाएंगे। है बीच, यहाँ से जब इस रास्ते से आप आओगे तो ये देखो यहाँ पर ये बीच दिखाई देगा आपको, जो कि खूबसूरत सा बीच है, बहुत ही शानदार सर ये है खूबसूरत सा बीच, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत।
खूबसूरत बीच है, इसे बोलते हैं जुहू। ये वही जुहू वाला बीच है, देखो वहाँ से और अक्षय कुमार जी का घर जो है आगे है इसी लाइन में। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं भाई अक्षय कुमार जी के घर। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्षय कुमार जी का घर जुहू चौपाटी के जस्ट सामने, और ऐसा सी व्यू, ऐसा नज़ारा है उनके घर का भाई, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। ये देखो मेरे पीछे है उनका घर की बिल्डिंग, यहाँ पर देख सकते हैं, और सामने है समुद्र, यहाँ पर समुद्र का नज़ारा और उफनता हुआ समुद्र सामने है उनका घर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही प्यारा नज़ारा। तो ये है उनका घर जो मैंने आपको दूर से दिखा दिया, ज़्यादा अंदर जाके मतलब बनता नहीं है क्योंकि भाई प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है, उन लोग की प्राइवेसी को नहीं छेड़ना चाहिए। दूर से ही आपको दिखा दिया, आप बीच पे आओगे तो यहीं से देख सकते हैं उनके घर का नज़ारा। बहुत ही खूबसूरत सा घर है इनका यहाँ पर, जो कि जुहू बीच पे है। जुहू बीच पे आप आओगे सबसे लास्ट में आपको इनका घर जो है देखने को मिल जाएगा। भाई इधर है अक्षय कुमार जी का घर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सामने बीच, बीच का खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हैं। कुमार जी का जो घर है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, एकदम बीच के जस्ट सामने है। सामने खिड़की खोला और बीच का नज़ारा सुबह सुबह देखते हुए तो इतना मज़ा आता है। यहाँ पर देखते सामने उफलता हुआ समुद्र, और यहाँ पर है इस साइड में अक्षय कुमार जी का घर, वो देखो अक्षय कुमार हाउस बीच के जस्ट सामने, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अक्षय कुमार जी का घर है देखो, वहाँ नीचे वाले फ्लोर पर वो रहते हैं और ऊपर वाले पे जो है अक्षय कुमार, और यहीं पर जो है ऋतिक रोशन भी रहते हैं। तो ऋतिक रोशन ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं जहाँ पर उनको मेट लगा हुआ है, चटाई टाइप लगा हुआ है, वहाँ पर ऊपर उनका है और नीचे जो है अक्षय कुमार का है, तो यहीं पर रहते हैं वो। फाउंडेशन है तो यहाँ पर वो घूमते रहते हैं, कभी यहाँ पर कभी कभी आके वो खड़े भी रहते हैं मॉर्निंग वगैरह के टाइम में। जुहू बीच आ सकते हो आप, और अक्षय कुमार जी के घर को भी देख सकते हो, साथ में जुहू बीच का वातावरण है, यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ पर आप इंजॉयमेंट भी कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर आप आओगे। अक्षय सर को तो अक्षय सर का घर दिखा दिया, और उसके बाद में फाइनली अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पर शिल्पा जी के घर पे, तो शिल्पा जी के घर को भी दिखाएंगे। उससे पहले इनकी सोसाइटी दिखाते हैं, यहाँ पर सनी देओल का ऑफिस भी है, वो भी आपको पहले दिखा देते हैं, उसके बाद में चलेंगे शिल्पा जी के घर की तरफ जो कि पीछे है। फाइनली अभी चलते हैं शिल्पा शेट्टी जी के घर के अंदर, चल के आपको दिखाएंगे। आज मर्सिडीज खड़ी हुई है अंदर, लग्जरी कारें खड़ी हुई। अभी मैं हूँ जुहू चौपाटी, जुहू चौपाटी में शिल्पा शेट्टी जी के घर के जस्ट सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिल्पा शेट्टी जी का घर है, आप देख सकते हैं सामने जो गेट लगा हुआ है वहाँ पे। तो चलेंगे आगे थोड़ा और दिखाएंगे, और यहाँ पर धर्मेंद्र जी का पुराना बंगलो है पीछे, वो भी दिखाएंगे। शेट्टी जी के घर के जस्ट सामने यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी यूनिक और पुराने बंगलो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इस साइड में छोटे छोटे बंगलो हैं, ये देखिए। वहाँ पर आगे जो है वहाँ पर अपना क्या बोलते हैं धर्मेंद्र जी का बंगलो है पुराना वाला, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट शिल्पा जी के घर के लिए जब आप आओगे तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा उनका भी बंगलो। उसके बाद में चलेंगे फिर शिल्पा जी का जो घर है वो दिखाएंगे डिटेल में। और ये है फाइनली जो धर्मेंद्र सर का पुराना वाला बंगलो है, ये उनका बंगलो है। आपको यहाँ पर देखो दो पोस्टर भी लगे हुए नज़र आएंगे, शायद धर्मेंद्र जी का ही है ताकि ये लगा हुआ है, ये देखो धर्मेंद्र बाबू जी, ये देखो। तो भाई ये है शिल्पा शेट्टी जी का घर, ये जो गेट है देख सकते हैं आप, ये गेट है, और ये बिल्डिंग देख लो कुछ इस तरह की बिल्डिंग है। नज़दीक चलेंगे जितना हो सकेगा आपको दिखाएंगे, अंदर जाना ऐसे अलाउ नहीं है। नाम देख सकते हैं आप, यहाँ पर नेम प्लेट लगी हुई है, और ये अंदर चल के आपको दिखा देते हैं, देखो अंदर क्या है। देखो मर्सिडीज खड़ी हुई दिख रही, ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। और देखो मर्सिडीज खड़ी हुई है अंदर, यहाँ से भी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं।
ये देखो अंदर लग्जरी कारें खड़ी हुई है भाई, ये है शिल्पा शेट्टी जी का घर, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। मैंने आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाया है, कार वगैरह खड़ी है जैसे कि आपने देखा ही, और ये बंगलो है कुछ इस तरह से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। गार्ड से बात कर रहे हैं भाई साहब, देखते हैं अगर अंदर जाने का मौका मिला तो ज़रूर चलेंगे, दिखाएंगे। शेट्टी जी कौन से फ्लोर पर रहती है? पहले माले, तो पहले माले पर रहती हैं शिल्पा शेट्टी जी। और देखो लग्जरी कारें खड़ी है भाई यहाँ पर, क्या हुआ? ये था शिल्पा शेट्टी जी का घर, भाई साहब ने भी बात की अंदर जाने के लिए, लेकिन अंदर जाने को नहीं मिला। फिर भी ठीक है, अंदर का मैंने आपको नज़ारा दिखा दिया, अंदर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी का। फाइनली मैं जुहू से निकल करके अभी आ गया हूँ बैंड स्टैंड बांद्रा। बांद्रा में अभी विजिट करेंगे सलमान खान का घर, सलमान खान का घर पहले आपको दिखाएंगे, और उसके बाद में चलेंगे शाहरुख खान का घर भी आपको आगे चल के दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, विजिट करते हैं और दिखाते हैं आपको सलमान खान का घर। ये रास्ता गया है सलमान खान के घर के सामने से, तो अभी आगे चल के आपको दिखाते हैं। वो जो बस स्टॉप दिख रहा है वहीं पर है सलमान खान का घर, उसके जस्ट सामने। तो चलिए साथ चल के वहाँ पे आपको दिखाते हैं उनका घर, जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है। सो भाई ये है सलमान खान का घर, गैलेक्सी अपार्टमेंट, ये देख सकते हैं ये गेट है, ये देखो यहाँ पर लिखा है गैलेक्सी अपार्टमेंट, गैलेक्सी अपार्टमेंट। ये बिल्डिंग है भाई, देख सकते हो कितनी बड़ी बिल्डिंग। और यहाँ से सलमान खान जो है बर्थडे रहता है या फैंस को जब मिलना होता है तो यहाँ से हाथ दिखाते हैं। ये देखो ये है, काफ़ी बेहतरीन और खूबसूरत सी बिल्डिंग है भाई, काफ़ी ऊंची है। ये देखो वो है गेट उस साइड में, और यहाँ पर इस साइड है सी व्यू, खूबसूरत समुद्र का नज़ारा। जितने भी एक्टर आप देखोगे सभी का जो घर है वो समुद्र के सामने ही है, जस्ट खिड़की खोला और समुद्र का नज़ारा सामने होता है। तो ये देखो ये समुद्र है, और जस्ट इसी के सामने है सलमान खान का ये घर, आलीशान घर, देख सकते हैं ये घर है, और ये इनके घर के सामने ही ये गार्डन है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। फाइनली अभी मैं पहुँच चुका हूँ सलमान खान के घर के सामने, जस्ट मेरे सामने है सलमान खान का घर, देख सकते हैं ये रहा सलमान खान का घर। आप जो देख सकते हैं जो लगा हुआ कर्टन, वहाँ से सलमान खान हाथ दिखाते हैं अपने फैंस को, जब मिलना रहता है बच्चे रहता है या कुछ खास रहेगा तो वहाँ से हाथ दिखाते हैं। फाइनली सलमान खान के घर को भी मैंने आपको दिखा दिया, सलमान खान का घर भी विजिट करवा दिया। अभी यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे कहाँ पे पता है आपको? शाहरुख खान के घर। तो अभी शाहरुख खान के घर को चल के आपको उनका भी घर दिखाएंगे जो कि आगे ही है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपको शाहरुख खान के घर के सामने। तो फाइनली अभी पहुँच चुका हूँ मैं शाहरुख खान के घर पर, और कहीं भीड़ मिले या ना मिले लेकिन शाहरुख खान के घर पर तो भीड़ मिलने ही वाली है आपको। यहाँ पर देखो यहीं से दिखाई दे रहा होगा आपको, लोग वहाँ पे देखो कैसे बैठे हुए। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं सामने से शाहरुख खान के घर के सामने भीड़ किस तरह से लगी है। बाकी कहीं भी भीड़ नहीं, इतनी जगह पे मैं जाके आया लेकिन यहाँ पर भीड़ देखो, ये देखो कितने लोग हैं यहाँ पर भाई साहब। तो फाइनली अभी मैं पहुँच चुका हूँ शाहरुख खान के घर के स्थान में, मन्नत जिसका नाम है। तो चल के आपको गेट की साइड से दिखाते हैं, पहले यहाँ पे देखो भीड़ कितनी, कहीं भी लोग नहीं आपको दिखाई देंगे और किसी भी एक्टर के यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे आप आएंगे तो हमेशा लोग यहाँ पे दिखाई देंगे। भीड़ देख लो, ये है शाहरुख खान के घर के सामने की भीड़, ये है शाहरुख खान का घर। देखो ये जो ग्रिल लगा हुआ है, ये देखो ब्लैक कलर का ग्रिल, यहाँ से यहाँ तक, ये है शाहरुख खान का घर। तो भाई साहब ये है शाहरुख खान का घर, बेमिसाल लाजवाब, और इतना बड़ा देखो, कितना बड़ा घर है भाई, बहुत ही बड़ा घर ये देखो। और यहाँ पर पब्लिक हमेशा आपको दिखाई देती है, देखो भीड़ यहाँ पर देख लो कितनी है। सामने समुद्र सी व्यू, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, और यहाँ पर लोग देखो किस तरह से बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठने की जगह है, अच्छा ठंडा कूल माहौल रहता है यहाँ पर, वातावरण है, इसकी वजह से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं।
बाकी जगह भीड़ मिले ना मिले, इसीलिए यहाँ पर किंग खान शाहरुख खान के घर पे भीड़ भाई रहती ही रहती है। और ये है यहाँ का मेन गेट, देखो शाहरुख खान के घर का ये मेन गेट है, ये देखो सभी लोग वहाँ पर फोटो क्लिक करा रहे हैं। देखो सिक्योरिटी भी यहाँ पर बैठी है, ये देखो। और शाहरुख खान यहीं से हाथ दिखाते हैं अपने फैंस को, शाम को जब रहते हैं घर पे तो यहाँ पर आते हैं, वो खड़े होते हैं। शाहरुख खान का घर दिखा दिया, अभी चलेंगे यहाँ घर के सामने, जो शाहरुख खान के घर के सामने जो सी व्यू है वो दिखाते हैं, समुद्र का नज़ारा जो है वो दिखाते हैं। इस साइड है समुद्र और सामने है सलमान खान का घर। यहाँ पे आओगे आप शाहरुख खान के घर के सामने, आपको खूबसूरत समुद्र का नज़ारा देखने को मिलेगा। देखो काफ़ी खूबसूरत सा बीच है ये, यहाँ पर आप आओगे तो बैठ भी सकते हो, काफ़ी जगह है यहाँ पर बैठने के लिए। देख सकते शाहरुख खान के घर पे खासकर हमेशा भीड़ मिलेगी आपको, वो घर पे रहे या ना रहे, शाहरुख खान घर पे हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे फैंस की भीड़ हमेशा रहती है। आप आओगे तो यहाँ देखोगे ढेर सारे लोग यहाँ पर इंजॉयमेंट करते रहते हैं, क्योंकि सामने है समुद्र और यहाँ पर बैठने की जो सुविधा है काफ़ी अच्छी है। देखो पेड़ के नीचे लोग यहाँ पर आराम से बैठे रहते हैं। तो ये था शाहरुख खान का घर भाई, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद सुबह से आज का ये ब्लॉग कंप्लीट कर पाया हूँ, आज की ये वीडियो कंप्लीट कर पाया हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है ये वीडियो को शूट करने में, सुबह 7 बजे घर से निकला, अभी बज रहे हैं 4:30। काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है सुबह से, हालत ख़राब हो गई है, पानी सिर्फ पिया है और कोल्ड ड्रिंक पिया है, खाना तो आज खाया नहीं भाई, भागता ही रहा, तो जा करके इस वीडियो को कम्प्लीट कर पाया। वीडियो में बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत मेहनत की है मैंने, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को मिलियंस तक पहुंचाना आपका फ़र्ज है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है वाकई, इतने घर कवर करना, इतने हाउस कवर करना, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के हैं, इतने हाउस कवर करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है मुझे और बहुत मेहनत लगी है, पूरा शरीर जल रहा है इस तरह से, तो मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, सपोर्ट कीजिए। आज की इस वीडियो को यहीं पर करेंगे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग से और बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।